आगे फंसती थी XUV 3XO पे और Nexon XZ Plus पे। गाड़ी से जब चाहे पावर ले सकते हो, जब चाहे आप गाड़ी से माइलेज ले सकते हो। एडजस्ट नहीं, नीचे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है, टॉपल होनी होनी है। गाड़ी में जिसका ये मिरर है ना, इसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा। व्यक्ति रो रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर में, थोड़ा तो खैर प्रॉब्लम है, इसका क्या सोल्यूशन होगा वो टाटा वाले जाने। इंजीनियर हायर करें जो ठीक आता सर्विस सेंटर वालों से, वो कुछ इसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे भाई। हेलो मेट्स, वेलकम बैक अगेन माय चैनल मैकपो 2021। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अपनी गाड़ी Nexon XZ Plus पेट्रोल का 1 ईयर ओनरशिप रिव्यू। इस गाड़ी को रखते हुए मुझे लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है। गाड़ी जो मुझे डिलीवर हुई थी 8th of December 2020 को डिलीवर हुई थी। 1 ईयर के ओनरशिप एक्सपीरियंस में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, कैसा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा गाड़ी का, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम पे Nexon इंडिया की नंबर 1 SUV सेलिंग है। तो अब यह सेलिंग है वो बात अच्छी है, बट बहुत सारे एरिया या बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए या किनको खरीदनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इशू आते हैं, खासकर इंडियन मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं। एटलीस्ट सर्विस सेंटर वालों को, स्पेशली मैं टाटा महिंद्रा को भी कहना चाहूंगा कि जितने भी ये जहां से कंप्लेन जाती है, इनको थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा इन डीलरशिप को, कि इनके फीडबैक अच्छे जाएं, ताकि और ज्यादा लोग एनकरेज हों अपने प्रोडक्ट, इंडियन मेड प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ये गाड़ी मैंने इसलिए नहीं खरीदी थी कि ये गाड़ी मुझे पसंद थी, लुक अच्छा था, ये सब करके। नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, बट मेन जो रीजन था मेरे गाड़ी को परचेज करने का, यही रीजन था कि मेरी ये गाड़ी इंडियन मेड है और वोकल फॉर लोकल का जो पीछे टैग लगा हुआ है वो काफी अच्छा लगता है मुझे। मेरे जो फाइनल चॉइस में थी, तीन गाड़ियां थी, एक तो Nexon थी, देन महिंद्रा XUV 3XO और एक थी फोर्ड इकोस्पोर्ट। फोर्ड इकोस्पोर्ट मैंने लिस्ट में इसलिए हटा दिया क्योंकि मुझे पता था फोर्ड का थोड़ा सा मामला गड़बड़ चल रहा है, शायद वो इंडिया लीव कर दे, तो फोर्ड को तो मैंने हटा दिया। फिर दूसरा रीजन ये था कि मुझे पेट्रोल वर्जन चाहिए था। अब पेट्रोल में फोर्ड का माइलेज काफी कम था। कार की फर्स्ट ये थी XUV 3XO पे और Nexon XZ Plus पे। XUV 3XO मैंने इसलिए साइड में कर दिया क्योंकि उसका बूट स्पेस का एक बड़ा इशू था। मतलब जब हम घूमने घामने जाते हैं तो वही थोड़ा बहुत लगेज तो आदमी लेके जाता है, आदमी लगेज लेके जाएगा तो बूट स्पेस होना चाहिए था, तो उसमें बूट स्पेस नहीं था, इसे वो गाड़ी मैंने इसलिए हटा दी। फिर दूसरा रीजन था कि महिंद्रा का XUV 3XO का मुझे इंटीरियर खास पसंद नहीं आया। इसके सामने लग्जीरियस फील होता है जब इस गाड़ी के अंदर बैठते हो। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे इसमें अच्छी लगती। लगी करता हूँ Nexon XZ Plus ही क्यों लिया। Nexon XZ Plus इसलिए लिया क्योंकि थोड़ी तो गाड़ी खैर मुझे महंगी पड़ी, बट ये था कि मुझे आफ्टर मार्केट अपनी गाड़ी में एक दिन का भी पसंद नहीं है। मैं बहुत दिनों से इस प्लान में हूँ कि गाड़ी का अपना हॉर्न चेंज कराऊंगा, पोपो वाला लगवाऊंगा, बट वो भी हिम्मत नहीं हो रही है गाड़ी में हॉर्न लगवाने की भी। तो इसलिए मेन पर्पज था कि XZ Plus मुझे लेना है। तो जिन लोगों को अपनी गाड़ी आफ्टर मार्केट टच नहीं करानी है, वो नो डाउट XZ Plus ले लो, सबसे वैल्यू फॉर मनी है। कुछ लोग बोलते हैं XZ Plus ऑप्शनल क्यों नहीं ली। XZ Plus ऑप्शनल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसमें ये आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, और फिर ये है कि उसका सब्सक्रिप्शन है भाई, हर साल 3-4 हज़ार रुपए का उसका सब्सक्रिप्शन आता है। अब बात करते हैं गाड़ी के प्रोज से, मतलब गाड़ी में क्या क्या बातें अच्छी हैं। पहला पॉजिटिव, गाड़ी इंटीरियर बहुत जबरदस्त है, गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है अंदर से। मैं अभी तक इससे बोर नहीं हुआ हूँ, एक साल है, अगर मैं गाड़ी में जब भी बैठता हूँ फ्रेशनेस ही फील आती है, ऐसा नहीं कि मैं बोरिंग जैसी कोई फील आ रही है। दूसरी बात करते हो लुक से, फ्रंट तो खैर मैं फ्रंट को ही कहूंगा, फ्रंट ही अच्छा है काफी, बट रियर से थोड़ा जो होता है उसमें थोड़ी सी हो सकता था गुंजाइश की इस डिजाइन को इम्प्रूव कर सकती है गाड़ी। बिकॉज अगर आप इसको पीछे से देखोगे ना या साइड से देखोगे तो ये हैचबैक ही लगती है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कुछ एसयूवी टाइप की फीलिंग आई, बट अगर अंदर बैठ के आप गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी बहुत अच्छी है, एसयूवी का आपको फील आएगा गाड़ी के अंदर। बात करते हैं फिर परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए कि गाड़ी को मैं हर जगह लेके गया हूँ, हर टाइप के टेरेन पे लेके गया हूँ इस गाड़ी को, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है गाड़ी, कहीं पे 0% की प्रॉब्लम नहीं करती है, चाहे कैसे ही रास्ता हो गाड़ी आराम से स्मूथली चल जाती है। इको सिटी और ड्राइव जो इसके मोड है ना, ये इतने इंपॉर्टेंट मोड हैं जो आपको गाड़ी से जब चाहे पावर ले सकते हो, जब चाहे आप गाड़ी से माइलेज ले सकते हो। अगर मैं हाइब्रिड की बात करूँ तो हाइब्रिड मैंने इको मोड में गाड़ी से 19 तक का एवरेज मैंने इससे अचीव किया है। डिपेंड करता है कि हाउ यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल। सिटी के मामले में बात करोगे, सिटी अगर आप शहर में, सिटी मोड नहीं, सिटी शहर की बात कर रहा हूँ, अगर आप सिटी ड्राइव करते हो तो सिटी ड्राइव में गाड़ी का एवरेज सडनली डाउन हो जाता है, मतलब 12 to 13 KMPL रहता है। अब यह है जब आप शहर में या सिटी में गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी का सिटी मोड ही ज्यादा बेनिफिटर रहता है, ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स मोड में लोग तो माइलेज और ज्यादा ड्रॉप कर देगा गाड़ी का। तो सिटी मोड बेस्ट है सिटी में चलाने के लिए। इको मोड बेस्ट है आपका हाईवे में क्रूज करने के लिए, कभी भी माइलेज आपका ड्रॉप नहीं होगा हाईवेज पर रन करते हो तो। मोड जनरली जो मैं यूज करता हूं, मैं रेगुलर यूज नहीं करता हूं स्पोर्ट्स मोड, स्पोर्ट्स मोड तभी यूज करता हूं जब मैं हिल ड्राइव पे जा रहा होता हूं गाड़ी का। तो ये इसकी कुछ अच्छी बातें हैं गाड़ी की, और बाकी तो गाड़ी का लुक सबसे फैंटास्टिक मुझे लगता है, खासकर फ्रंट से, रियर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, रियर से इसमें गुंजाइश की बातें हैं। तो व्हाइट स्ट्रिप का भाई, ये व्हाइट स्ट्रिप इसलिए नहीं दी गई है, फैशन के लिए नहीं है ये गाड़ी। अगर आप कभी प्रैक्टिकल अपने घर पे देखना, अगर गाड़ी आपकी कभी बाहर खड़ी है और रात में खड़ी है तो अगर गाड़ी पे कोई लाइट पड़ती है, सबसे पहले यही जो स्ट्रिप है यही सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, जिससे आप जिसको सामने से आने वाले बंदे को रियलाइज होता है कि सामने कोई ना कोई व्हीकल खड़ा है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा सेफली ड्राइव करता है गाड़ी। और प्रोज है, प्रोज का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस। जब ये गाड़ी मैंने ली थी तो उस टाइम पे जो था, हम ऑटोमेटिक गाड़ी चलाते थे, ऑटोमेटिक में इग्निस है,
बट इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ये है कि मुझे रत्ती भर भी नहीं सोचना पड़ता गाड़ी कहाँ चल रही है मेरी, गाड़ी को कहीं पे भी 209 का इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। ग्राउंड क्लियरेंस की कुछ प्रॉब्लम ये भी रहती है कि गाड़ी के टॉपल होने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, उसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि गाड़ी का जितना ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस रहता है उतना ही नीचे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलता है। अगर आप शॉर्ट कट आ रहा है गाड़ी बहुत तेजी से चला रहे हो तो गाड़ी टॉपल होनी होनी है, तो ये आपको देखना है कि जब गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हो तो टर्न पे स्पेशली आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा ना हो, नहीं तो गाड़ी कोई भी हो जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है डेफिनेटली टॉपल हो जाएगी, वो नेक्सोनी नहीं वो कोई भी गाड़ी हो सकती है। गाड़ी में जिसका ये मिरर है ना इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू अच्छा है, जब भी आप गाड़ी में देखते हो पीछे का जो व्यू आता है बहुत अच्छा व्यू आता है उसमें, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये काफी एरिया को क्या करता है कवर करता है, जो मुझे हेल्प करता है गाड़ी को इजीली ड्राइव करने में, मैं सेफली ड्राइव कर सकता हूँ। गाड़ी की ब्रेकिंग इतनी जबरदस्त ब्रेकिंग है ना, इतनी अच्छी ब्रेकिंग सेगमेंट पे मुझे नहीं लगता किसी गाड़ी की होगी अगर मैं इस कैटेगरी में से XUV 300 को निकाल दूं तो, बिकॉज उसमें चारों डिस्क ब्रेक आते हैं। तो अगर मैं गाड़ी की अच्छाई गिनाने चलूं तो गाड़ी में अच्छाई बहुत है भाई, कमियों की बात करते हैं क्योंकि जब हम गाड़ी लेते हैं खासकर मिडिल क्लास पर्सन हम जैसा, तो तब तक गाड़ी को हम लॉन्ग टर्म रखते हैं, लॉन्ग टर्म रखते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो देखते हैं, या मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई गाड़ी में, तो अब डिस्कस करते हैं सीधे पहुंचते हैं कॉन्स पे। सबसे बड़ा जो इसका कॉन्स है, कॉन्स कहो या सेफ्टी कहो, ये पिलर अब तो खैर मैं इससे यूज टू हो चुका हूँ, जब भी गाड़ी टर्न पे आती है ना तो ये बाकी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा। अगर आप नई ड्राइवर हैं तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा, जब भी आप गाड़ी कहीं पे या टर्न पे लेके जाते हो तो आपको आदत डालनी पड़ती है, कुछ यहाँ से देखना पड़ता है या कुछ यहाँ से देखना पड़ता है। अल्टीमेटली ये हेल्प हमारा भी कर रहा है बट कहीं ना कहीं दूसरे बंदों को नुकसान करता है, क्योंकि 5-star सेफ्टी रेटिंग है तो थोड़ा सा ए पिलर है तो सारा लोड ये लेता है, मतलब सेफ्टी पर्पज से अच्छा है बट दूसरे की सेफ्टी पर्पज से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। और बात करते हैं इसके लाइट को लेकर के, लाइट का लो बीम जो है काफी डिसअपॉइंटिंग है, अगर आप लो बीम रहेगा गाड़ी का तो ये आपको प्रॉब्लम करता ही करता है, मतलब इतना अच्छा नहीं है। हाई बीम ठीक है, गुड गुड है। और कौन सी की जिसके लिए हर व्यक्ति रो रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर में, सर्विसेज ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर कार्स, वो टाटा हो जाए चाहे वो महिंद्रा हो जाए, अनटिल और अनलेस आपका सर्विस सेंटर बढ़िया नहीं है तो आप गाड़ी मत परचेज करना, भले ही आपको कितना प्यार क्यों ना हो। अगर सर्विस सेंटर ज्यादा दूर है तो भैया वो आप देख लो कि आप उतना अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, अदरवाइज बहुत अट्टा छूट है कि मेरे एरिया में सर्विस सेंटर मुझे काफी अच्छा लगता है। ये इस बात का मेन तौर पर आपको ध्यान रखना है ये गाड़ी परचेज करते हुए। केबिन साइलेंट नहीं है तो साइलेंट भाई थोड़ा तो खैर प्रॉब्लम है, अगर मैं साइलेंट बोलूं तो भाई इतना साइलेंट नहीं है वो बात ट्रू है, बट ऐसे नहीं कि आपको ये इरिटेट कर देगा। इरिटेट कब करता है, जब आप जैसे हाई गियर एंगेज करते हो तो शुरू शुरू में तो जैसी गाड़ी नॉर्मल आती है, जैसे फिफ्थ गियर आपने डाला तो फिफ्थ गियर में क्या होगा थोड़ा सा तो आवाज आएगा झरझर, बट जैसे ही गाड़ी को पता लगता है कि फिफ्थ गियर डल गया है तो उसके बाद आप कॉन्ट्रेस्ट ड्राइव करते हो कुछ टाइम तक, तो फिर कोई साउंड केबिन के अंदर नहीं है, बहुत अच्छा केबिन इंसुलेशन इन्होंने दे रखा है टाटा वालों ने यहाँ पे। एक कौन सी इसमें सबसे बड़ा कौन से भाई, इस मड फ्लैप को कोई फायदा नहीं है भाई, सारी डस्ट जब भी ये गाड़ी कीचड़ वीचड़ में जाएगी तो ये पूरा सारा एरिया गंदा हो जाता है। खैर गाड़ी में अपनी अच्छी मेंटेन करता हूँ तो मेरी गाड़ी में ऐसा कोई गंदगी लग नहीं रही। और कौन सी इस गाड़ी में है कि जब मान लो गाड़ी आपकी गंदी है ठीक, जब उतरोगे आप चाहे आगे से उतरो या पीछे से, तो आपका पैर जब आप एग्जिट करोगे तो पैर मतलब इस पे लग जाता है ये, तो ये पूरा एरिया क्या हो जाए प्रॉब्लम, आगे बैठ के भी है ये प्रॉब्लम पीछे बैठ के भी है। तो एग्जिट करना तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे एग्जिट कर रहे हो अपने हिसाब से। और कौन अब जैसे कि आप जानते हो कि टाटा महंगी महंगी होती जा रही है, ये गाड़ी ऑलमोस्ट मुझे 11 lakh की ऑन रोड पड़ी थी इस टाइम पे, बट प्राइस तो बढ़ाता जा रहा है टाटा, 10 cc प्रॉब्लम है टाटा को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि टाटा महिंद्रा जो है कमर्शियल व्हीकल के जायंट है, ये पैसेंजर व्हीकल में इनका एक्सपीरियंस अभी नया है, तो टेक्नोलॉजी लाए ऐसे इंजीनियर्स हायर करें जो फिट एंड फेस का भी ध्यान रखें। मेरी गाड़ी में बहुत सारी छोटे छोटे फिट एंड फेस है जो मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है उसमें। फिट एंड फेस के कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी में, तो ये कुछ यहाँ पे ये देखोगे तो ये एक देखो ये है यहाँ पे, मतलब ये इशू है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने नहीं कहा था सर्विस सेंटर वालों से, वो कह रहे थे सर हो जाएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरा गियरबॉक्स खोलना पड़ेगा। यहाँ से पता नहीं कहाँ चर चर की आवाज आती है, वो तो मैं खैर बहुत बार दिखा चुका हूँ सर्विस सेंटर को, बट वो कुछ इसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहे भाई, नहीं वो नहीं जा रही कहीं से कहीं तक भी। बाकी पैनल गैप में बहुत ज्यादा पैनल गैप की बात कर रहा था, यहाँ से देखना ये और ये गैप देखना इधर और उधर गैप देखोगे तो यहाँ पे ये गैप है कम, ठीक है ये गैप है यहाँ पे कम। और नई नई गाड़ी थी भाई, नई नई गाड़ी में साइलेंसर पे देखो ये पेंट तो ऐसे तो मतलब अंदर इंजन के अंदर भी है, अब ऐसा नहीं था कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम थी बट वो आ जाती था तो था, तो इन पे काम करने की जरूरत है टाटा को थोड़ी सी। ये वाइपर भी काफी अच्छे लगते हैं, तो मतलब पूरा एरिया क्लीनिंग एरिया भी इनका अच्छा है। फेस भी इसमें चेक इंजन लाइट की, चेक इंजन लाइट यूजुअली पता नहीं आ जाती है, मैंने काफी बार कहा अपने आप आ जाती है और अपने आप चली जाती है, तो वो इतना बड़ा इशू है नहीं, गाड़ी के परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आता है उससे। सबसे बड़ा इशू इसमें है रैटलिंग नॉइस का, जो मैं आपको कह रहा हूँ फिट एंड फेस वाली प्रॉब्लम है, तो वही कहीं ना कहीं जिसमें रैटलिंग नॉइस वाली बात है कि भैया ये खटर पटर इसमें है ही है कुछ ना कुछ, और अच्छी लगती है जिसपे बहुत कम मैन्युफैक्चरर ध्यान दे रहे हैं, या तो किसी SUV का सस्पेंशन है तो बहुत ज्यादा स्टिफ
है तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, क्या सॉफ्ट तो किसी का नहीं है, बट ज्यादातर गाड़ियों के सस्पेंशन स्टिफ है। अब स्टिफ में प्रॉब्लम यह होती है जब गाड़ी के अंदर आप बैठते हो झटक जैसी फील होती है, ठीक। लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसका सस्पेंशन इतना अच्छा ट्यून किया गया है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो छोटे मोटे झटके तो आपको रियलाइज ही नहीं होंगे कि आपको झटके लग भी रहे हैं गाड़ी में। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है जो मैन्युफैक्चरर ये करने में कम लोग मतलब क्या बोलते हैं सक्सेसफुल होते हैं। स्टेरिंग मतलब इतना जबरदस्त स्टेरिंग है कि आपको क्लियर कट अंदर बैठ के पता रहता है कि गाड़ी आपकी कहां से किधर की ओर जानी है, मतलब एक्यूरेसी स्टेरिंग बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। पर ना ये ठीक नहीं है भाई, ये मतलब हैंग चलता है। हैंग क्या मतलब, कई बार ऐसा भी हुआ मेरे साथ तो कि इसका एंड्रॉइड ऑटो जो है वो चलते चलते हैंग हो जाता है, आता ही नहीं है, लॉक इसमें लॉक हो जाती है। अपडेट करा लिया मैंने, अपडेट से भी कुछ हुआ नहीं है इसका। थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें ना वाटर बॉटल स्टोरेज की है, मान लो कभी गाड़ी में आपको बैठने का प्लान है कुछ पीने पाने का तो वो ग्लास रखने का बहुत बड़ा इशू है इसमें। अगर आप गाड़ी में ग्लास रखोगे यहाँ पे इसमें रखने पड़ते हैं, भाई इतने बड़े ग्लास आते ही नहीं है, कहाँ से रखोगे, फिर बोतल ही रखनी पड़ेगी। और म्यूजिक सिस्टम में तो आपने देखा ही है काफी सारी मतलब चीज, और सबसे बड़ा इसका अप्रोच है ये जो इसमें IRPM दिया है ना, ये ऑटो डिम नहीं है भाई, बलेन जैसी गाड़ी में ऑटो आता है तो इसको भी ऑटो डिम IRPM देना चाहिए था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है गाड़ी परचेज करने से तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से फ्री हेल्प सेवा है ये आपके लिए, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या मुझे आप अपनी क्वेरी जो भी है वो मेल कर सकते हो, कार रिव्यू के लिए भी मेल कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।